यूँ चौधरी साहब, सुमेर सिंह जी ने, रघुवीर सिंह जी ने हमें बात बताई, हूँ तो आपने एक ही निवेदन करना चाहूँ कि आप देख लो कि आज इतना सालों जो हिसाब चले हैं और आप बीजेपी ने देख ली, कांग्रेस में ही देख ली, जीवाराम जी ने देख लिया, देव जी ने देख लिया, सुखराम जी ने देख लिया और मारो जिसमो प्रधान थो 5 साल वो कार्यकाल भी आप मारो देखियो। कोई भी ग्राम सेवक या कोई भी सरपंच अगर उठाने आके दे कि 1 पैसो में प्रधान ने दियो तो लोग तो कहे कि मु राजनीति छोड़ दू, मु जीवन छोड़। अगर कोई भाईसन आयो चाय भी पिलाई वाला तो मारे जेब भी पिलाई वाला करी ग्राम सेवक या सरपंच ने नहीं कियो कि आप चाय लाई दुबा। मतलब इन तरीकों सीधो साफ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दियो, जिन्हों की लोग आया तो उन सीधो कौम हुआ। अगर आगे पाछो कोई लोगों की बात करी तो उन अधिकारी कर्मचारी ने जरूर ऊंचो नीचो करी। आज आप देख लो कि खुलेआम भ्रष्टाचार चल रही हो। अगर आप डीपी बढ़ गई और डीपी लेवा जाओ तो 10,000 रुपया वे तो डीपी मिलने का नहीं मिलती। और अगर मंत्री जी कन गया ब्रा ने फोन हुआ ब्रो तो 10 चक्कर काट ने 55 मिले ला वही 10,000 दियो बूटी पहला नहीं मिले। मतलब अंतरे की बात है। आप देख लो भारत माड़ा देख लो, नहर की बात करी, सफाई रंगों में 4 करोड़ रुपया निकलिया कटा गया, सफाई नहीं हुई, पानी आई गयो पूरा। मतलब अंतरी करी व्यवस्था जो चल रही है मतलब आज तरीको चल रही हो अन्य भ्रष्टाचार ने रोकनो है तो आप बसपा रे हाथी रे निशान माते वोट देने विजय बना जो। आपने आप पूरा वादो करूं कि एक तरफो चलला और भ्रष्टाचार नाम निशान छोड़ा दूंगा। आप पक्को वादो कर रही हो, आप लोग इसका पता लिया मन जो आशीर्वाद दोला तो 36 वर्ण आज अपने बेड़ा है, 36 वर्ण बेड़ा है और एक पूरी पूरी लहर बन गई है। अब की बार के जो है ये हेमो ने घरे मिलना है न बचपन जीतानी है। आ लोगों रो मानस बढ़ियों है, आप लोग भी इनमें मन समर्थन बोला अड़ी आशा करूं। धन्यवाद, जय हिंद।